जो सरकार निकम्मी है वो सरकार जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हमारे साथ मेरठ महानगर के अध्यक्ष है डॉक्टर हरविंदर जी बहुजन समाज पार्टी से, और यहाँ पर जो आज प्रोग्राम है, यहाँ पर सभा है, ये 2 अप्रैल 2018 को जो SC ST एक्ट के विरोध में भारत बंद किया गया था, वहाँ 13 लोग जो शहीद हुए थे बहुजन समाज से, उसको लेकर यहाँ सभा की गई थी। और यहाँ पर जो लोकसभा का जो चुनाव नज़दीक है और प्रत्याशी हाजी याकूब कुरैशी जी है, उनको लेकर भी यहाँ पर बात कही गई है। तो यहाँ पर इनसे बात करेंगे कि क्या तैयारी चल रही है और गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे जी। देखिए, महागठबंधन की इतनी मरोड़ बीजेपी के पेट में है जी, कि बीजेपी के जो माननीय मोदी जी हैं और तमाम शीर्ष नेता हैं, वो मंच पे जब भी जाते हैं तो मंच में बिना महागठबंधन की बात के उनकी बात पूरी नहीं होती है। इसका मतलब क्या, उनके पेट में बहुत मरोड़ है। गठबंधन का जो नाम लेते हैं, कहना यह है कि गठबंधन उनके सर का दर्द बना हुआ है, उनके पेट में मरोड़ बनी हुई है, इसलिए वो गठबंधन की बात हर मंच पर कर रहे हैं। डर बैठा हुआ है बीजेपी को इस समय जी। हाँ, हम महागठबंधन की उनके पेट में मरोड़ है और ये मरोड़ ही उनको तोड़ेगी, और 2019 में महागठबंधन ही उनका रास्ता रोकेगी जी। देश में और कोई गठबंधन बहुत हुए देश में, लेकिन देश में जो शक्तिशाली गठबंधन बना है वो उत्तर प्रदेश के अंदर बना है। 3 पार्टियों के गठबंधन नहीं, 42 पार्टी की जो गठबंधन मोदी जी की है उसको हिला कर रख दिया है। ये गठबंधन इतिहास रचेगा, ये मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि 2019 में बीजेपी की वापसी नहीं है। वो लोग 2014 में जुमलों के साथ आए थे, वो 2019 में आ नहीं सकते। अब उनको जुमलों की सरकार ख़त्म है, क्योंकि विकास वो कर नहीं पाए। फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पे चुनाव लड़ने की 2019 में बात करते हैं। जनता इस बात को भली बात ही समझ गई कि किसी का विकास नहीं है, अगर विकास हुआ है तो बीजेपी का विकास हुआ है। उसका 1500 करोड़ का 7 स्टार का कार्यालय दिल्ली के अंदर बन गया, 630 कार्यालय, जिला कार्यालय पूरे देश के अंदर बनाने का 3 स्टार कार्यालय जो बीजेपी बना रही है 630 पूरे देश में, वो उसका टारगेट रखा, जिसमें से 280 कार्यालय बीजेपी प्रत्येक जिले में 3 स्टार बना चुकी है। अगर विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी का विकास हुआ, विकास हुआ तो ऊपर के 10-12 उद्योगपतियों का विकास हुआ है जो मोदी जी के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो जनता का कोई विकास नहीं हुआ, जनता त्राही त्राही है। ये जनता इस बार इस सरकार को बदल देगी, क्योंकि ये सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तो इस बार हम इस बीएसपी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरठ के महानगर अध्यक्ष है बहुजन समाज पार्टी के डॉक्टर रविंदर जी, ये मंचों से ये कह रहे हैं कि 23 मई और भाजपा गई, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, कई नारे इनके इस समय बहुत हाईलाइट हो रहे हैं, और ये समाज को इस तरह से जोड़कर चल रहे हैं। इस समय 10:30 का टाइम हुआ है, ये ना रात देखते हैं ना दिन देखते हैं, जगह जगह काफ़ी इन्होंने कई नुक्कड़ सभाएं कर चुके हैं, कई जो वार्ड है वार्डों में नुक्कड़ सभाएं करने के बाद यहाँ पर जागरूक कर रहे हैं सर्व समाज को, प्रजापति समाज, सैन समाज, और आपका गुज्जर समाज, बहुत सारे समाज जो बहुजन समाज में आते हैं सबको एकत्र कर चुके हैं। और इस बार पूरा प्रयास है और पूरी इनकी उम्मीद है कि जो गठबंधन के प्रत्याशी है मेरठ से हाजी याकूब कुरैशी, उनको ये कह रहे हैं कि वो जीते पड़े हैं और जीत गए, वोट डालनी है, सबको अपील ये कर रहे हैं कि वोट दो, वो जीते हुए हैं। मैं उमेश करूणा, बहुजन हलचल न्यूज़, मेरठ।